zero down. This is the fourth video of the topic Constitution of India, why and how. In this video, we will discuss the borrowing provisions of Indian Constitution. This is one of the most important question also. You have to remember it. They may ask you 6-marker question. What are the borrowing constitution? Yeah, what are the borrowing provisions of Indian Constitution? Yeah, they can ask you like that Indian Constitution is a borrowing bag. Okay? So explain this statement. Likewise, you have to remember these provisions and what are the provisions we have borrowed from which country. Okay. First, we start from here. UK Constitution. UK Constitution से आपको पता है ब्रिटिश हमें रूल करते थे, तो जो ब्रिटिश रूल करते थे डेफिनेट है बात ये कि ज़्यादा चीज़ हम क्या करें UK Constitution से ही बोरो करे थे. तो UK Constitution में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश Constitution, तो ब्रिटिश Constitution से हम बोरो करें जैसे FPTP सिस्टम, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये हम बोरो करें कहाँ से? UK का Constitution से. और क्या बोरो करें? पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, उसको हम बोरो करे हैं यूके की कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू इक्वालिटी, उसमें जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो भी हम बोरो करे हैं कहां से? यूके कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके, दिस चलते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हम क्या बोरो करे हैं? ना DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द सेकंड चैप्टर. यू हैव टू रिमेंबर ओनली दैट कि वी बोरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरिश मतलब आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट USA कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रॉम USA कॉन्स्टिट्यूशन वी बोरो द जुडिशियल सिस्टम, द फंडामेंटल राइट्स. These things are borrowed from USA Constitution. And from Canadian Constitution, we borrow quasi-federal form of government. हमारा जो form of government है, quasi-federal form of government है, आपको मैं समझाऊंगा what is quasi-federal government, but in the 7th chapter. Okay? तो यहाँ आप simply इतना याद रखिए, हमें कहाँ borrow, क्या borrow करें? Quasi-federal system. Okay? और French Constitution, जो टॉपिक है हमारा, जैसे हमारा जो सारे आइडियोलॉजीज है, द आइडियोलॉजीज लाइक लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ठीक है, दीज वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द लास्ट इज USSR कॉन्स्टिट्यूशन, वी बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज, यू कैन से 5-year प्लान, दीज थिंग्स फ्रॉम USSR कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो 11th की बुक में ये बात नहीं है, लेकिन आपको और एक बात भी याद रखना है, हम बहुत सारे प्रोविजन, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वी बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि 1947 में जो एक्ट पास हुआ उससे पहले, 1947 एक्ट तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट हो गया क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंट हुआ, तो उससे पहले का जो एक्ट था 1935 का एक्ट, वो 1935 का एक्ट से हम सबसे ज़्यादा चीज़ बोरो करें. कभी कभी UPSC जैसे पेपर में, SSC जैसे पेपर में आता है फ्रॉम व्हिच सोर्स वी बोरो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या लार्जेस्ट प्रोविजन फ्रॉम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आप लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मान लो वो ऑप्शन में है, मान लो ऑप्शन में नहीं है तो आ जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. आप यूके ना बोल के इसको ब्रिटिश बोलो, आपको ज्यादा क्लियर होगा. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देखो इसका नोट्स के लिए आप रेफर करो पेज नंबर 22 ऑफ योर NCERT. ओके, थैंक यू सो मच.